गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 माई स्पेशल डे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस एंड दीज वी आर गोइंग टू डू इन द टेक्स्ट बुक ओनली. सो सम पिक्चर्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू अ बर्थडे आर शोन बिलो. राइट द नेम ऑफ ईच थिंग बिलो द पिक्चर. तो जो चीज़ें बर्थडे में यूज़ होती हैं हम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, हमें इनके नाम लिखना है. तो सबसे पहली पिक्चर में हम देख सकते हैं इट इज़ अ केक, तो हम यहाँ लिख देंगे केक. सेकेंड नंबर पे हमें दिख रहे हैं ये बलून्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बलून्स. थर्ड नंबर पे हमें दिख रहा है ये क्या है, गिफ्ट्स. एंड फोर्थ नंबर पे वी कैन सी कैंडल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे कैंडल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. मेक टू स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द बिगर वर्ड. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो हमें यहाँ पे हमें ये वर्ड्स को देखकर ही दो स्मॉल वर्ड्स को क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे रेन और ग्रेन. तो हमें इसी स्पेलिंग से दो वर्ड को क्रिएट करना है. तो अब हम सेकंड वन करेंगे. ड्रॉअर में से क्या क्या हो सकता है, एक वर्ड क्रिएट हो सकता है वॉर, डब्ल्यू ए आर वॉर. सेकंड वर्ड हो सकता है आर ई डी रेड. थर्ड वर्ड है वार्ड्रॉप. वार्ड्रॉप में से सबसे पहले के चार वर्ड से वॉर्ड एंड देन बी ओ आर ई बोर. हमें इसी स्पेलिंग में से दो छोटे वर्ड्स बनाना है. विंटर डब्ल्यू आई एन विन और आई एन इन जो प्रीपोजिशन होता है वो भी हम यहाँ लिख देंगे. नाउ कम टू द ग्रामर सेक्शन. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो एक्शंस अभी हो रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड से व्हाट इज़ हैपनिंग. तो हमें यहाँ पे पिक्चर में देख के बताना है कि कौन से एक्शन हो रहे हैं. बीना इज ईटिंग एन आइसक्रीम. बीना क्या कर रही है, बीना आइसक्रीम खा रही है. टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन द रेन, दो लड़कियाँ बारिश में खड़ी हैं. थर्ड वन इज डेनियल इज क्राइंग, तो डेनियल रो रहा है. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है. ईटिंग इज एन एक्शन, खा रही है मतलब ईटिंग एक्शन हो रहा है. खड़ी हैं, स्टैंडिंग भी एक एक्शन है. क्राइंग रो रहा है भी एक एक्शन है. सो एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ आर रिटर्न एज. तो जो जो एक्शन हो रहे थे उसमें इज़ और आई एन जी लग जा रहा था वर्ब में, जैसे ईट में इज़ ईटिंग, इज़ क्राइंग, इज़ स्टैंडिंग. तो इज़ और वर्ब में क्या यूज़ हो रहा था, आई एन जी, इज़ रीडिंग, इज़ वॉचिंग. तो हम इसको अब एक्सरसाइज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे. एक्सरसाइज नंबर ए है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में आई एन जी फॉर्म लगाना है. जैसे ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे क्या लग जाएगा, आई एन जी. द एरोप्लेन इज डैश इन द स्काई, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग इन द स्काई. मदर इज़ डैश फूड, मदर इज़ कुकिंग फूड, यहाँ पे आई एन जी लग जाएगा. राजू इज़ डैश फुटबॉल, यहाँ लिखा है प्ले, तो यहाँ पे प्ले लिख देंगे सेम टू सेम और उसमें लग जाएगा आई एन जी. वी आर डैश होम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वी आर गोइंग होम. माई ग्रैंड फादर इज़ डैश स्लीपिंग, तो स्लीप लिख देंगे एंड देन आई एन जी. सो ये बुक में आपको कर लेना है इतनी एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट वील कंटिन्यू टुमारो.